तेजस्वी यादव के द्वारा होने वाले न्याय यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में अभी से ही बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। दरअसल तेजस्वी यादव अपनी संविधान बचाओ न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे ठीक पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाया है उसका महागठबंधन में भी विरोध शुरू हो गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी को राम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रावण के तौर पर दिखाया गया है। दशहरा के मौके पर पटना में लगाए पोस्टर ने सियासी बवाल मचा दिया है। कांग्रेस ने इस पोस्टर का कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ नेता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री को रावण दिखाना गलत है। वहीं कांग्रेसी सांसद अखिलेश सिंह ने भी कहा कि तेजस्वी राम हो सकते हैं, लेकिन किसी और को रावण दिखाना सही नहीं है। अब तेजस्वी की न्याय यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने करारा तंज कसा है। पांडे ने कहा कि अभी तेजस्वी यादव एक बेल लेने के बाद खुश हैं, अभी उनको कई और मामलों में अदालत के सामने खड़ा होना है। उन्होंने कहा कि अलकतरा घोटाला और चारा घोटाला में लालू परिवार को न्याय तो मिल चुका है, अब मॉल घोटाला में न्याय मिलने वाला है। तो उनको अलकतरा घोटाला में उनके परिवार को मिल चुका, न्याय चारा घोटाला में उनके परिवार को मिल चुका है, अब नया जो मॉल घोटाला है इसमें भी न्याय बहुत शीघ्र मिलने वाला है। तो न्याय की चिंता नहीं करें, बेल की चिंता करें। अभी एक बेल लेके आए हैं दिल्ली से माताजी के साथ अपने, तो आगे किस प्रकार से इन कानूनी पेचीदगियों से वो बचेंगे और लड़ेंगे इसकी चिंता करनी चाहिए, और इसी के लिए उनको सलाह मांगना चाहिए लोगों से, और बिहार के नौजवानों को उनको सलाह देना चाहिए कि 28-29 वर्ष में कैसे 52 संपत्तियों का मालिक बना जाता है, यह गुण जो उनके अंदर है इस गुण के बारे में लोगों को बताना चाहिए। वहीं लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि न्याय यात्रा के लिए अभी से काफी जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनसमर्थन बढ़ता देख विपक्ष के लोग बौखलाहट में उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है न्याय यात्रा में जो भीड़ उमड़ पड़ रही है और काफी लोग जुट रहे हैं, इससे घबराहट में एनडीए के लोग घबराए हुए हैं कि तेजस्वी यादव जी नहीं निकले, लेकिन न्याय यात्रा का सब कार्यक्रम बन चुका है और माननीय नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकल रहे हैं और काफ़ी हर जिले में जन समर्थन इतना है, हर प्रखंड में इतना जन समर्थन है कि हम लोग को भी लगता है कि इतना जन समर्थन कैसे मिल रहा है। इसी घबराहट में ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इनके बयान देने से और हमारा वोट बन ही रहा है, बिगड़ नहीं रहा है, काफ़ी हम लोग आगे बढ़ गए हैं। न्याय यात्रा के जरिए तेजस्वी नीतीश सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को उभारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वक्त ही बताएगा कि तेजस्वी इस रणनीति में कितना कामयाब होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।